लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग ही मस्जिद तोड़ रहे हैं। शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब मंडी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मस्जिद तोड़नी शुरू कर दी है। लेकिन आज एक ऐसा बड़ा फैसला आया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल शिमला की सड़कों पर बवाल देख मंडी में रहने वाले मुस्लिम मस्जिदों के अवैध हिस्सों को खुद ही तोड़ने लगे, धड़ाधड़ हथौड़े चलने लगे। आपको बता दें कि मस्जिद का यह हिस्सा लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बनाया गया था जिसे तोड़ा जा रहा है। वहीं शिमला और मंडी में हिंदुओं का प्रदर्शन देख पहली बार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अमन शांति की बातें करनी शुरू कर दी। मुस्लिम पक्ष ने अब खुद संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का प्रस्ताव रख दिया। मस्जिद के इमाम अब बोल रहे हैं कि अमन और भाईचारा बस बना रहना चाहिए। पहले आप ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको एक ऐसा खेल दिखाएंगे जो हिंदुओं ने कर दिया है। आप हमें इजाजत दें, अवैध हिस्सों का हम खुद ही हटा दें। हमारे वतनी भाई जो हैं, उनको हमारी इस 4.5 मंजिल से जो कुछ इसके अंदर ज्यादा बढ़ गया है नक्शे के हिसाब से, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ है। इस मामले को जो है राजनीति तूल ना दिया जाए। हमारे ऊपर अगर प्रेशर है सिर्फ एक चीज का, कि हमारी मोहब्बत बनी रहे। शिमला की संजौली में मस्जिद विवाद के बाद अचानक मंडी की जेल रोड में भी मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर तनाव बढ़ गया। आज मंडी में मस्जिद मामले पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इनकी मांग अवैध मस्जिद को गिराने की थी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को छोटी काशी से बाहर करने की भी मांग कर दी। इन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की जमीन पर मस्जिद का निर्माण हुआ है, इसे तोड़ना ही होगा। सेरी मंच से आक्रोश रैली शुरू हुई और पूरे बाजार से होती हुई सकोड़ी चौक की ओर बढ़ी। हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए प्रशासन की तरफ से पानी की बौछार भी की गई। और इसी बवाल के बीच कोर्ट ने भी अपना बड़ा फैसला सुना दिया। आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश जारी कर दिया है। आयुक्त HH राणा ने अपने फैसले में कहा कि मंडी में जेल रोड मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराना होगा, वहां पर मस्जिद की पुरानी स्थिति बहाल करनी होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष इस मामले में 30 दिनों के अंदर अपील कर सकेगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो खुद ही अवैध हिस्से को तोड़ रहे हैं ताकि इलाके में आपसी भाईचारा बना रहे, उन पर किसी का कोई दबाव नहीं है। मस्जिद कमेटी के सदस्य इकबाल अली ने बताया कि मस्जिद निर्माण को लेकर नगर निगम को अक्टूबर 2023 में नक्शा पास करवाने के लिए आवेदन दिया गया था। लोक निर्माण विभाग से NOC लेनी पड़ेगी, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, ना ही उन्हें इस बारे में अवगत कराया गया था। जब एक लेंटर डाल चुके थे उसके बाद PWD विभाग ने निर्माण कार्य पर ऑब्जेक्शन कर दिया और नोटिस आने शुरू हो गए। देखिए सर, इलीगल क्या होता है वो अभी हम लोगों को भी पता चल रहा है, क्योंकि हमने तो लीगली पेपर प्रोसेस में डाले थे, तो उसके बाद हम लोगों को जैसे जैसे त्रुटियां बताई गई हम पूरी करते रहे। अभी हमें PWD की NOC के लिए डिमांड की है, तो वो हम उसके प्रोसेस में चले थे। अभी PWD वाले सवेरे आए थे तो उन्होंने कहा कि ये आप ना अपना नाप नपाई की है उन्होंने, तो जो भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जी इसको गिरा दो दीवार को, तो हम गिरा रहे हैं ताकि सार्वजनिक सौहार्द न बना रहे, मोहब्बत बनी रहे। और जो उनका एरिया है उसका हमें कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ये अंदर की प्रॉपर्टी हमारी है। उस वक्त हमें NOC के बारे में नहीं पता था और ना ही बताया गया था। NOC के बारे में इस निर्माण के 6 महीने के बाद हमें पता चला, जब हमें ऑब्जेक्शन लग के आया कि आपको PWD की NOC चाहिए। ऐसे में कहा जा सकता है कि अवैध निर्माण को लेकर हिमाचल प्रदेश में बवाल मचा है। सुक्खू सरकार इस हालात को कैसे संभालेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।